तो आपको कनेक्टर के ऊपर हल्का सा स्क्रैच कर लेना है कोई भी ब्लेड लेकर। देखिए कुछ इस तरह से आपको हल्का सा स्क्रैच कर लेना है। स्क्रैच करने के बाद आपको चमकला जैसा नजर आएगा ताकि शोल्डर अच्छे से लग सके ऊपर। उसके बाद आपको जो बोर्ड है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, मतलब पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। उसके बाद आपको थोड़ा सा पेस्ट लगाकर उसे रीसोल्डिंग करना है ताकि अच्छी तरह से ये कनेक्टर को पकड़ सके। रीसोल्डिंग करना है, आपके पास जो भी कंपनी का आयरन है चलेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको उस कनेक्टर के ऊपर शोल्डर थोड़ा सा लगाना है जो आप पहले स्क्रैच करके रखे हुए थे। और ये आप देख सकते हैं मैंने इस कनेक्टर को रीसोल्डिंग किया है अच्छी तरह से। आपको इस तरह से कर लेनी है ताकि बोर्ड से अच्छी तरह से चिपक सके। तो दोस्तों अभी आप इस बोर्ड को देख सकते हैं, आप दो तरीके से इसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आप नीचे से हीट करके ऊपर से कनेक्टर बैठा सकते हैं, या फिर इसे रीसोल्डरिंग वायर से इसे साफ करके बैठा सकते हैं। लेकिन ये छोटा फोन है, इससे नीचे कुछ नहीं है, तो इसे मैं नीचे से हीट देके बसा सकता हूँ। तो मैं फाइनल इसे नीचे से हीट करके लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि नीचे में कुछ आईसी वगैरह या कंपोनेंट नहीं था इसलिए मैं नीचे से ही हीट करके इसे लगा रहा हूँ। तो ये फाइनल लग चुका है और आप देख सकते हैं ये किस तरह से बैठा है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको शोल्डर वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे आप नीचे से हीट नहीं लगा सकते, उसका बोर्ड जो है वो पतला मिलता है। यहाँ पर ये सैमसंग का फ़ोन है इसलिए मैं इसे नीचे से ही हीट देखे बैठा चुका हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बैठ गया है प्रॉपर वे में। इस तरह से आप कोई भी फ़ोन के कनेक्टर अच्छी तरह से बसा सकते हैं।